जेब से खाएंगे, जेब से पिएंगे, जेब से रहेंगे, जेब से उड़ेंगे और खुले आसमान के अंदर सोएंगे। हौसले बुलंद है, हौसले बंद है, हौसले बुलंद है, हौसले बंद है। मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के बाद दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाले बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में आज किसान जमा हो गए। ये किसान राजस्थान से आए हैं। एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, तो अब राजस्थान के किसानों ने भी दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। आज बड़ी संख्या में किसान राजस्थान से यहाँ पर आए। किसानों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे किसान यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, तो अभी आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान दिल्ली पहुंचने का है। दिल्ली पहुंचने का? हाँ, पीछे से हमारे और जत्थे आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली के लिए पूछ रहे हैं। तो आपकी डिमांड क्या है इस वक्त? हमारी डिमांड है जो तीन कृषि काले कानून जो बनाए हैं, वो तीनों काले कानून तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। कल ये तो एक ही जत्था आया है, कल और जत्थे किसानों के आएंगे, राजस्थान से भी, हरियाणा से, गुजरात से, और दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जाएंगे। किसानों की रणनीति है कि दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए ताकि सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। हमने कहा है हम जाम नहीं करेंगे, और अभी चाहो तो मैं मीडिया आपके सामने बैठ जाऊं, अभी रिपोर्ट हो जाएगी। हमने हमेशा ये कहा है हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हम जाम नहीं करेंगे। जाम हिंसा का तरीका हम नहीं अपनाएंगे। हमारा सारा आंदोलन अहिंसक, शांति और सत्य के आधार पर रहेगा। जो हम करेंगे आप कह कर करेंगे भाटिया, कोई दिक्कत नहीं। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के मद्देनजर दिल्ली और गुड़गांव बॉर्डर पर भारी बंदोबस्त किया गया है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ड्रोन के साथ निगरानी की जा रही है। ये किसान है और किसानों से भी अधिक राजस्थान पुलिस व हरियाणा पुलिस के बीच गिरे किसान। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा सके। लेकिन किसानों की रणनीति ये है कि दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा जाए, और अगर नहीं बढ़ने दिया जाए तो जहां मौका मिले वहीं बैठकर धरना शुरू कर दिया जाए। मौजूदा हालात के मद्देनजर यही लगता है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। गुड़गांव से आशीष कुमार कटारिया के साथ टीम दशूद्र।